नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लक के बारे में। क्या जो लक होता है वो मैटर करता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने में, अनसक्सेसफुल होने में, यानी कि सफल होने में या असफल होने में क्या लक मैटर करता है? बिल्कुल, जो लक फैक्टर है वो रहता है। लेकिन हम लक फैक्टर को अच्छी तरह से समझेंगे कि लोग कहते हैं कि वो लकी है अगर वो सक्सेसफुल है, और मैं अनलकी हूँ कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ और मैं असफल हूँ। तो ये लक फैक्टर है क्या, इसको आज हम समझेंगे। देखिए, अगर आपने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप लकी हैं। अगर आप हर सुबह उठते हैं तो आप लकी हैं। अगर आप अच्छा सोच सकते हैं तो आप लकी हैं। अगर आप कोई काम ढंग से कर सकते हैं तो आप लकी हैं। ये सारे फैक्टर जो हैं ये आपको लकी बनाते हैं, क्योंकि आपने इस धरती पे जन्म लिया है, आपको अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, आपकी लाइफ अच्छी है, आपका जो शरीर है बिल्कुल स्वस्थ है, आपको कोई बीमारी नहीं है लोगों की तरह, किसी का हाथ नहीं होता, किसी के पैर नहीं होते, या किसी को ऐसी गंभीर बीमारी होती है, आप उनमें से एक नहीं हैं, तो आप लकी हैं। और अगर आप लकी हैं तो आप सफल क्यों नहीं हैं, इस बात की बात करते हैं। देखिए, लकी होने का और सफल होने का दोनों का एक डिफरेंट रीज़न है। लकी तो आप हैं ही, क्योंकि आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, आप इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप डेली उठते हैं, डेली नया सोचते हैं और डेली काम करते हैं, जो एक काम साधारण आदमी करते हैं वो आप करते हैं। तो सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी है आपके पास? वो कमी है हार्डवर्क की और अपॉर्चुनिटी की। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, कि अपॉर्चुनिटी कैसे आपको मिले। अपॉर्चुनिटी का तो टाइम तय होता है, वो आपको जो मिलती है तो समय से ही मिलती है, समय से ही वो क्रिएट होती है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको हार्डवर्किंग भी तो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो कमी रहती है लक के साथ साथ हार्डवर्किंग की रहती है। अगर आप कठोर परिश्रम करते हैं तो एक ना एक दिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं कम मेहनत से सफल हो जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सफल होने के लिए, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, लक की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा कि हम एक एग्जांपल लें, एक उदाहरण लें, कि जो सोना होता है उसको तपना पड़ता है चमकने के लिए, जो हीरा होता है उसको खदानों से खोदना पड़ता है तब वो आपको मिलता है। इसी तरह से क्या है, जो आपका लक है इसको भी आपको खोदना पड़ता है, इसकी भी गहराइयों तक जाना पड़ता है, हार्ड वर्क आपको इसके ऊपर करना पड़ता है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई लोग, कुछ भी लोग हैं, वो कम मेहनत से सफल हो गए हों, तो ऐसा हो सकता है कि वो 50% मान लीजिए वो लकी है और आप 40% जो लकी हैं, 10% का फर्क हो सकता है। अगर उसने कम मेहनत की है, आपको 10% मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। वो 50% लकी है, आप 30% लकी हो सकते हैं कि आपको 20% मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उस व्यक्ति से। या ऐसा हो सकता है कि आप 10% लकी हों, आपको 40% मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उस व्यक्ति से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मेहनत करें तो आप उस व्यक्ति की तरह सफल नहीं हो सकते। ये फ्रीक्वेंसी होती है, जिस तरह से हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, आपका लक आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि हार्ड वर्किंग की फ्रीक्वेंसी जिस दिन मैच कर जाते हैं, आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि हाँ, यही फ्रीक्वेंसी जो है यही मुझे चाहिए सफल होने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा जो है असफल बने रहें और आप कभी सफल नहीं हो सकते। अपनी लक की फ्रीक्वेंसी को सिर्फ हार्ड वर्किंग से आप पूरी कर सकते हैं और उसको एक लकी फैक्टर बना के आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो जो लक फैक्टर है वो ठीक है, वो होता है, लेकिन उसको जो आप सुधार कर सकते हैं उसके अंदर, वो है आपकी हार्ड वर्किंग के साथ और अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होती हैं उन पे एकदम से आप जंप करके अपने जो लक फैक्टर है उसको बढ़ा सकते हैं। लक आपका ऑलरेडी है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने इस धरती पे जन्म लिया है, आप अच्छी जगह पे जन्म लिया है, आपको अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, अच्छे भाई बहन मिले हैं और अच्छे आपके जो शरीर है, जो बॉडी है आपका स्वस्थ है, अच्छी आपकी सोच है, तो लकी तो आप पहले ही हैं। इसमें एक चीज़ की जो कमी रहती है हार्डवर्किंग की रहती है, वो आप इसमें ऐड करते चले जाएँ। कब तक आप ऐड करें? जब तक आपको सफलता ना मिले। तो जब आप इस दोनों का कम्बिनेशन, आपका एक पूरा कंबाइन बन के एक पैकेज बन जाएगा जो आपको सफल बनाने के लिए ज़रूरी होगा, तो आप ऑटोमेटिकली ही सफल हो जाएंगे। तो इसलिए जो आपका जो लक है, लक मैटर करता है, लेकिन हार्ड वर्किंग से आप उस लक के गैप्स को भर सकते हैं जो आपको सफल होने के लिए चाहिए।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।